हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमर। स्वागत है आप सभी का मेरा ट्यूशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग स्क्रेच में ट्रेल बनाने वाले हैं। यानी ट्रेल मतलब क्या? माउस ट्रेल। तो दोस्तों, ये माउस ट्रेल क्या है आप पूछोगे, तो मैं आपको बता दूं माउस ट्रेल क्या है। तो माउस ट्रेल क्या है कि जो हमारे माउस है उसका एक क्रसर जो हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसे हम लोग कहते हैं क्रसर। जो हम इधर उधर जाते हैं इसे हम लोग कहते हैं माउस का क्रसर। और इसे जो हमारा स्क्रेच में हम इस तरीके से बनाएंगे जो कि हमारा माउस पॉइंटर यानी माउस ट्रेल, तो ये हमारा माउस पॉइंटर को फॉलो करेगा। यानी हमारा कर्सर जहाँ भी जाएगा उस तरीके से हमारा देख सकते हो। ये मैंने बोल लिया और बोल के जहाँ जहाँ मैं माउस के कर्सर को ले जा रहा हूँ तो हमारा कुछ इस तरीके से ट्रेल करते हुए जा रहा है। और इसे हम बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों इसे बना सकते हो माउस ट्रेल को, और भी आप बहुत अच्छे अच्छे कर सकते हो। तो दोस्तों, हम लोग इसे इस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग माउस ट्रेल को बनाएंगे कैसे, तो चलिए जानते हैं। और ये एकदम बनाना बिल्कुल ही इजी, आप चाहो तो और इसे भी अच्छे बेटर तरीके से बना सकते हो। मैं तो आपको एक एग्जांपल के लिए माउस ट्रेल बनाना कहते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। अपने पसंद के एक बैकड्रॉप ले लेना, ठीक है दोस्तों, जिसमें आप बैकड्रॉप रखना चाह रहे हो, माउस ट्रेल कराना चाह रहे हो, आपको एक बैकड्रॉप ले लेना है। एंड बैकड्रॉप लेने के बाद दोस्तों, आपको एक जिस स्प्राइट को आप ट्रेल कराना चाह रहे हो, आप कोई एक बॉल ले सकते हो, कोई एक शेप ले सकते हो, कोई स्टार ले सकते हो, यानी आप अपने चॉइस के हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं एक स्टार को लेने वाला हूँ। और इस स्टार को लेने के बाद आप कुछ भी ले सकते हो, आप एक चाहे तो बॉल भी ले सकते हो, आप एक कैट भी ले सकते हो, आप अपनी चॉइस के एक स्प्राइट ले सकते हो। एंड लेने के बाद दोस्तों, आपको जाना है मोशन पे, और मोशन पे जाने के बाद गो टू रैंडम पोजीशन, इस ब्लॉक को लेना है। और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे रैंडम पोजीशन पे, आपको एक शो हो रहा है माउस पॉइंटर, क्योंकि यह हमारा माउस को ही फॉलो करेगा, इसलिए यहाँ पे माउस पॉइंटर लेना है। एंड लेने के बाद आपको फिर जाना है कंट्रोल पे, और यहाँ पे आपको फॉरएवर ब्लॉक सेट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको इवेंट पे जाने के बाद ग्रीन फ्लैग क्लिक इस ब्लॉक को सेट करना। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे जहाँ भी हमारी कर्सर जा रही है उसी के पीछे ये हमारा स्टार जा रहा है। तो हम इसे स्टॉप करते हैं। अब इसे हम ट्रेल करने वाले हैं। तो ट्रेल करने के लिए अब करना है क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्लोन। यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको शो रहा है क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ। यानी हम इसका एक क्लोन भी कर सकते हैं। जितना बार हम टच कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो, इनका क्लोन कुछ इस तरीके से बन रहा है। और अगर मैं यहाँ पे क्लोन सेट करता हूँ फॉरएवर में, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से होगा। फिर मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो इनका बहुत सारे क्लोन बन गया। और क्लोन बनने के बाद ये इनका डिलीट नहीं हो रहा है, और हम चाह रहे हैं कि इनका क्लोन भी डिलीट हो जाए। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, फिर से आपको यहाँ पे क्लोन जो हमारे बन रहा है वो क्लोन को स्टार्ट कराने के लिए यहाँ हम करेंगे क्या, व्हेन आई स्टार्ट एज ए क्लोन। यानी क्लोन को स्टार्ट कराने के लिए इस ब्लॉक को आपको लेना है, ये आपको कंट्रोल में मिल जाएगा। एंड लेने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या होगा, इसे हम चाहेंगे तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको जाना है रिपीट लेना है, रिपीट ब्लॉक, वो आपको कहाँ मिलेगा, कंट्रोल पे ही। तो रिपीट में यहाँ पे 10 टाइम आप चाहें तो 20 भी कर सकते हो, 30 भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड लेने के बाद आपको करना होगा, हम इसमें एक कलर इफेक्ट भी लगाने वाले हैं इसका, ताकि कलर चेंज हो तो और काफ़ी बेटर तरीके से लगे। तो यहाँ पे चेंज कलर इफेक्ट बाय 25, इस ब्लॉक को हम जैसे यहाँ पे सेट करते हैं, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गजब का लग रहा है यहाँ पे दोस्तों, देख सकते हो। बट दोस्तों, और एक प्रॉब्लम कि हमारा ये जो माउस ट्रेल हो रहा है, बट इनके बैकड्रॉप पे और देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे स्टार बन गया, और ये होता ही जा रहा है। तो हम इसे नहीं चाह रहे कि ये हमारा स्टार है ये बस ट्रेल हो, और वो जो हमारा बैक साइड हो रहा है उसे वो डिलीट हो जाए। तो उनको डिलीट कराने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कंट्रोल पे, जिसे इस ब्लॉक को कहते हैं डिलीट दिस क्लोन। यानी हमारा क्लोन अब डिलीट हो जाए और ये केवल ट्रेल हो। तो ट्रेल कराने के लिए फिर हम डिलीट दिस क्लोन को हम लोग यहाँ पे जाके सेट कर देंगे यहाँ पे रिपीट के नीचे। एंड सेट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा ट्रेल हो रहा है माउस ट्रेल, ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप इसे एकदम बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हो, इसमें ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये क्या आपको देखने में काफी अच्छा लगा, तो इस वीडियो को करना क्या, लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो इसे भी कर देना दोस्तों, क्योंकि ये आने वाले जितने वीडियो है आपको काफी ज्यादा मजेदार लगे। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।